हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपना आप सब ज्वाइन हो गए हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 68 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसी तरह जो है वो हम इंटरवल में स्क्रॉल करके जो है वो बाद में वीडियो से भी देख लेंगे आपकी अटेंडेंस, ठीक है ना। ये मैं इसी वजह से जो है वो यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि इस टाइम कितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो अपना रोल नंबर मेंशन किया करें सिर्फ। ये जैसे अबसार अहमद मेंशन किया हुआ है और ये हसीब मोहसिन, ये मलिक। अब मलिक कौन है? इस तरह के जो स्टूडेंट हैं इनको मैंने रिमूव कर देना है। अपना पूरा ये साथ रोल नंबर भी मेंशन करें, बल्कि आप नाम बेशक नाम मेंशन करें लेकिन अपना रोल नंबर तो लाजमी मेंशन करें। ये अबसार अहमद जो है ये इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये अब पता नहीं कौन है अबसार अहमद। और ये हसीब मोहसिन, अपने रोल नंबर भी साथ मेंशन करें ना, को पता चले। अब ऐसे कोई भी नाम अपना जो है वो एक्स वाई जी रख सकता है। ये मलिक जो है, ये मलिक अब कौन है? ये मलिक रिमूव कर रहा हूं मैं। पहले आप लोग सही तरह एडजस्ट होंगे फिर ही जो है वो कुछ जो है बताया जा सकेगा आपको। ये मलिक पता नहीं कौन है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। मुनीब, ये मुनीब अपना रोल नंबर भी साथ मेंशन करें। ये मोहम्मद कलीम उर रहमान, आप भी अपना रोल नंबर मेंशन करें। हाँ जी, हसीब मोहसिन, ये भी। ये मुनीब समझ नहीं आ रही आपको? तफहीम खालिद, तहरीम खालिद, ये सारे, ये अभी मैंने रैंडमली जो है वो आपको बताया है। अदरवाइज मैंने फिर थोड़ी देर बाद फिर जो चेक करना है और जिन्होंने अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया होगा उनको मैंने रिमूव कर देना है। तो अभी मैं आप लोगों को 5-1 मिनट की जो है वो बता रहा हूँ पहले। अपनी वीडियोस जो है वो ऑफ रखें, शाबाश, ठीक है। हाँ जी, तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। जी चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे काइनेमेटिक्स का, और उसमें आपको मैंने यहां तक ये इक्वेशन जो है वो बता दी थी। हाँ जी, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की इक्वेशंस आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपने याद रखनी है, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। और इसके बारे में मैंने आपको ये कल भी डायग्राम जो है वो दिखाई थी। मैं एक दफा जो है वो दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम जो है वो मैंने बनाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो पॉइंट ओ हम ओरिजिन जो है वो मेंशन करते हैं ये आर्बिट्रेरी होता है। इसकी जो लोकेशन है वो यूजर डिपेंडेंट होती है, वो किसी भी जो है वो अप्रोप्रिएट पॉइंट पे उसको मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो मोशन का स्टार्ट पॉइंट होता है वो ओरिजिन के साथ मिल भी सकता है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे वी नॉट ये वाला जो पॉइंट है वो मोशन का स्टार्ट पॉइंट है,
और उसके बाद आपको ये बताया था कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे टाइम टी पे ये होगी, और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस क्या होता है, वो फाइनल जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि हमें टाइम टी पे अचीव होता है, और एस नॉट क्या होता है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि हमें मोशन के स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है, और हम उसको एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये फिजिकली पॉजिटिव साइड पे हो तो क्या होता है, ओरिजिन के दरमियान और मोशन के स्टार्ट के दरमियान ये डिस्प्लेसमेंट होता है और ये पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव साइड पे है तो फिर नेगेटिव होगा। ये इक्वेशन की जो एक्सप्लेनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, सही है, क्योंकि कोई भी अनसीन प्रॉब्लम होगा तो आपने सिर्फ इन इक्वेशन को अगर आप सक्सेसफुली राइट कर लेते हैं तो फिर तो आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज जो है अगर आप इन इक्वेशन को सही राइट नहीं कर सकते तो फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना, ठीक है ना। तो फिर वही बात आ जाती है कि आपने वो सोल्यूशन मैनुअल वाली जो है वो क्रैमिंग वाली वो रट्टे वाली के इधर जो है वो आप क्या काम करोगे, एग्जाम में के वॉशरूम में जाओगे और वहां पे जाके आप जो है वो मोबाइलों में देखोगे, ठीक है ना, कि ये फलानी इक्वेशन या पॉजिटिव आना नेगेटिव आना है। तो मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आपने क्या काम करना है, ये जो एस नॉट है अगर ये पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव होगा, और दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा ओरिजिन के दरमियान और मोशन के स्टार्ट के दरमियान मूवमेंट या उसके स्टार्ट के दरमियान जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव साइड पे हो तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद हो जाता है वी नॉट टी, वी नॉट टी वो वेलोसिटी है यानी वी नॉट जो मोशन के स्टार्ट पे उसको अवेलेबल थी, अगर ये जीरो हो एट रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब वी नॉट टी आप देखते हैं कि अगर वी नॉट टी असल में क्या है, एक रेक्टेंगल बनती है, फॉर एग्जांपल उसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो वी नॉट है और उसकी हॉरिजेंटल साइड जो है वो क्या है, वो टी है, तो उसके एरिया कितना बन जाएगा, वो वी नॉट टी एरिया उसका बन जाएगा, सही हो गया। अब ये असल में उसके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल करना था, अगर वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट के साथ जो है वो मूव करता रहता, ठीक हो गया। लेकिन अब चूंकि उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा था उसी डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, तो हाफ ए टी स्क्वायर ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है ये किस वजह से ट्रेवल हो रहा है, जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, और इसकी वजह से आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि v होगी वो दैट विल बी ग्रेटर देन v नॉट, सही है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप इस पे आते हैं दूसरी डिसेलरेशन पे, तो डिसेलरेशन में क्या हो जाएगा कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तो उसने डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करना था, लेकिन जो कि उसका डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो उसने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो वो यहां तक, ये देखें ये सेंटर में जो है वो ऑलमोस्ट इस जगह तक उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, सही है। तो वी नॉट टी ये देखें ये ज्यादा बनता था, लेकिन जो कि उसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वी नॉट से लेस होगी, तो उसका जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट आना है, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो आप लोगों को जो है वो चीज़ें जो है बताई हैं। हाँ जी मैं जी जी बताएं, हाँ जी 397 हेलो इसको एक मिनट, 397 था ना, इसको रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है ना, 397 था, इसको रिमूव ही कर देते हैं मेरा ख्याल है, जो है ना, चलें ये गया। अच्छा जी कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस तरह के ये गाना इस किस्म की या कोई भी हरकत करेगा तो वो फौरी तौर पे उसको रिमूव कर दिया जाएगा, बाद में वो इस सेशन में वो ऐड नहीं होगा। हाँ जी 332, हाँ जी बोले जी बताएं, कोई क्वेश्चन है? ये आपने दो क्वेश्चंस लिखी हैं, एक s = नोड + v नोड t - 1/2 at स्क्वायर, v = v नोड - 80, सॉरी ये दोनों, ये तो आपने कहा डिसेलरेशन वाली है, ऊपर वाली तो चल गया, बताइए नीचे वाली कैसे आई है? कौन सी वाली, ये वाली डिसेलरेशन वाली,
सर जो नीचे वाली थी v इज इक्वल टू v नॉट माइनस at। हाँ ये देख लेना, ये आपको इस वजह से ये जो नीचे वाली इक्वेशन से मैंने आपको क्या चीज बताई है कि अगर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी से लेस होगी ना। अब जो कि लेस होनी है तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे उसके अंदर जो जो at जो टर्म है वो उसमें सब्ट्रैक्ट होगी ना, नेगेटिव जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो v नॉट उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी उसमें से at माइनस होगा तो फिर जाकर वो v के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि v जो है वो दैट इज लेस देन v नॉट, यानी v नॉट इज ग्रेटर देन v, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी और द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। और इसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो उसमें जो है वो ये टर्म ऐड हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी या वी नॉट विल बी लेस देन द फाइनल वेलोसिटी। हाँ जी यस सर, थैंक यू। समझ आ रही है बात की? तो ये आपने देखना है, चूंकि आप देखते हैं कि जी जी ये हो रहा है, सही हो गया। कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी किस्म की फजूल हरकत करेगा तो वो उस सेशन में रिमूव हो जाएगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार मैं जो है वो आप लोगों को ऐड कर सकूं, ये बात ध्यान में रख लें। हाँ जी एक मिनट, ये कौन है जी, शानियाल सईद जी। वेलकम सर। सर ये पूछना था कि जो पहली क्वेश्चन है, हाँ ये मैंने ओपन कर ली है, एक मिनट जी जी। एक्सेलरेशन की नहीं सर, ये v is equal to v naught plus at वाली। हाँ हाँ सर, इसमें जो सेंट्रल पॉइंट लिया हुआ है जहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे हमारे पास v naught आ रही है। हाँ जी ये वाला ये जी सर, इसके जो आगे पॉइंट है जहाँ पे आपने गन किया हुआ है सर, पॉइंट ओ आर्बिट्ररी पॉइंट है जी जी, ये नहीं इससे अगला वाला। हाँ ये वाला जी 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 सर, यहाँ पे 1/2 1/2 80² आना चाहिए था सर, एक दफा दोबारा ये बता दे, मुझे समझ नहीं आया। देखिए मैंने आपको ये बताया है कि एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्टार्ट पॉइंट था इस पे मोशन का मूवमेंट स्टार्ट हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पे मूवमेंट जब स्टार्ट हुई है अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना होती, वी नॉट के साथ ही रहती, तो उसने कहाँ पे अप्रोच करना था, उसने इस पॉइंट पर आना था जहाँ पे कर्सर है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रही है, यानी एक्चुअली कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो उसने इस पॉइंट तक पहुंचना था, ये वी नॉट टी तक, ठीक है। लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रही टाइम के साथ तो उसके अंदर हाफ ए टी स्क्वायर की वजह से कुछ एडिशनल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है जो कि ये वाला गैप है, सही है। तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी उसको वी ये अचीव हुई है जी, समझ आई बात की? देखें यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई, अगर वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता तो फिर उसने डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल करना था, लेकिन अब जो कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रही है तो ये एडिशनल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है और वो यहाँ पे पहुंचा है जी जी। हाँ जी बताएं, म्यूट हो गया है। चलें जी, और किसी का है कोई क्वेश्चन? ये कौन है जी, मोहम्मद साहब। हाँ जी जी बताएं। सर हम s नॉट पीछे से क्यों कह रहे हैं डिस्टेंस, हालांकि मोशन तो उसकी भी जहां से नॉट से मेजर कर रहे हैं। हाँ जी 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 सर, हम उसका डिस्टेंस s नॉट क्यों कह रहे हैं? देखें बात सुने, एक्चुअली क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में जो एस नॉट है ये नहीं, असल में एस जीरो होता है, यानी ओरिजिन जो है यानी जहाँ से मोशन का एक्चुअली स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी जहाँ पे असल में जो ये जो एस नॉट होता है ये असल में एस जीरो होता है, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट इसको लिखा जाता है। एस जीरो वो होता है कि आप जब मोशन का स्टार्ट करते हैं तो टाइम स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं, उस टाइम जो है वो स्टॉप वॉच चलाते हैं। तो किसी रेंडम ओरिजिन से, क्योंकि देखो हर जगह पे फॉर एग्जाम्पल अब
आप फिजिकली कोई जो है ना वो पॉइंट ले रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे मार्क करेंगे ना, किसी ग्राउंड लेवल पे या किसी मुनासिब जो है वो जगह से जहाँ से आप उसको मेजर भी कर सके ना, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो अब आप ये तो नहीं ना कि किसी जो है वो एक पॉन्ड में या एक जो है वो ओशन में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे फिजिकली आप अप्रोच ही नहीं कर सकते ओरिजिन को, तो वहां पे तो आप मेंशन नहीं करेंगे। तो वहां तक एक्चुअली क्या होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है ना। अब हम जनरली क्या है एफएससी में जब हमने स्टडी किया है तो हम क्या करते थे कि यूजली हम करते क्या है कि मोशन का स्टार्ट और ओरिजिन को हम सेम ले लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं उसमें एस नॉट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर मोशन का स्टार्ट पॉइंट एंड ओरिजिन इज सेम देन क्या होगा, एस नॉट विल बी जीरो। और अगर मोशन जो है दैट इज स्टार्टिंग एट रेस्ट और रेस्ट स्टार्ट हो रही तो फिर वी नॉट जीरो हो जाएगा। जी सही है, हाँ जी सर। रोल नंबर 3 लॉबी में वेट कर रहा है, करने दें इसको वेट। फैजान मलिक नाम है ये, अपना पूरा जो है वो रोल नंबर जो है वो मेंशन करेगा, ऐड होता है तो ठीक है, नहीं तो अभी काफी सारे ऐड हैं उनसे समझ लेगा, बाद में रिकॉर्डिंग को देख लेगा। हाँ जी है जी कोई क्वेश्चन स्टिल? अच्छा चले, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, गुड हो गया। अब हम चलते हैं जी आगे, ये कुछ वेरिएबल एक्सेलेरेशन की इक्वेशंस हैं, इनको भी आपके नॉलेज के लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आप उनको देख लेना, क्योंकि इतना टाइम तो खैर नहीं है। ये देखें, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो वेरिएबल, ये ऊपर थी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की इक्वेशन, आगे आ जाती है वेरिएबल एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ टी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो सकता है कि अगर मैं इधर प्रॉब्लम में जो है वो आपको आगे चल के जो है वो मैं बताता हूं, ठीक है ना। कहीं भी जो है वो एक्सेलेरेशन जो है वो आप देखते हैं, अगर किसी जगह जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखें, ये आप देखते हैं कि ए क्या दिया हुआ है, 2t-10। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 2/5 में, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये नजर आ रहा है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। जी ये देखें, ए क्या दिया हुआ है, 2t-10, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे कि ए क्या है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा ना। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वो टाइम का फंक्शन है, ये देखें, यानी एक टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेलोसिटी जो है वो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगी। यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन है। तो उस केस में क्या होता है, इस तरह की इक्वेशन दी हुई होगी आपको, 2t-10, कोई और इक्वेशन दी जा सकती है, सही है। तो ये बताया हुआ, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो उसको कैसे राइट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो यहाँ से स्टेट कर दी। दोबारा हम बैक चलते हैं जी, तो हम कहाँ पे थे, एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब जब ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो आप मुझे बताएं कि एक मिनट, ये जो है वो जी एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, वो होता है डीवी ओवर जो है, एक्सेलेरेशन के किसके बराबर होता है, डीवी ओवर डीटी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो एक्सेलेरेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना।
तो वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट कर दिया ना, यानी ये आ गया डीवी और डीटी आना था, तो ये डीटी जो है वो आ गया, तो एक्सेलेरेशन की जगह पे जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी एफ टी। अब टाइम का फंक्शन है, टाइम के लिहाज से इंटीग्रेट होगा, जब टाइम के लिहाज से इंटीग्रेट होगा तो आप देखते हैं कि इस तरफ चूंकि जो है वो वी का डिफरेंशियल है तो वी माइनस वी नॉट हो जाएगा ना, तो वी नॉट जो है माइनस वाला इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो आप लिख सकते हैं, यानी उसमें v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जो है वो जीरो टू टी एफ टी डी टी, ये आप इक्वेशन यूज कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर उसी तरह अब जब आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को आप मेंशन कर सकते हैं डी एस ओवर डी टी, ठीक है। तो डी एस ओवर डी टी को जो है वो आप किस तरह लिख सकते हैं, साफ जहर जो है वेलोसिटी भी अब टाइम का फंक्शन हो चुकी होगी ना, तो वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन करके जो है वो हम इस तरह कर लेंगे, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एस टू एस नॉट, और एस नॉट जो है क्या हो जाएगा इस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह बननी, ये सिंपल सी है और आपने एफ एस सी में भी ये की होगी। और उसके बाद जो है वो ये चीज आ गई। अब पॉइंट सी क्या है, एक्सेलेरेशन गिवन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन होगा, सही है। तो उस केस में जो है वो ये देखे ना कि एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, डीवी ओवर डीटी के बराबर होता है, तो उसको जो है वो उसने क्या लिख दिया है एफ वी। अब उसमें क्या काम किया है कि उसने डी टी को जो है वो दूसरी साइड पे लाया, तो ये डी वी ओवर क्या है एफ वी बन गया, यानी ऊपर जो है वो नीचे वेलोसिटी का फंक्शन है और नीचे उसका ऊपर उसका डिफरेंशियल है, तो आपको पता है उसको कैसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो है वो नेचुरल लॉग जो है वो बना के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम आ जाएगा, टाइम के लिहाज से फिर हम इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये खैर जब हम इक्वेशंस करेंगे तो उसमें जो है वो हमें पता चल जाएगा। उसी तरह एक्सेलेरेशन एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो ये उसमें जो है वो थर्ड जो है वो ये आ जाएगी। हाँ जी, बताता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन भी। तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह के फंक्शन दिए होंगे वो, और वो आपने कर लेने, ये जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो फिर आपको और जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें चले सुन लेते हैं जी, इसका क्या है। हाँ जी बोल लें। हाँ जी हेलो, हेलो, इसको कोई नहीं क्वेश्चन मेरा ख्याल है, चलें इसको छोड़ें। हाँ जी ये अब हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, सही है। अब हम क्या कर काम करते हैं नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये जो सैंपल प्रॉब्लम दिए हुए हैं ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये जब हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करते हैं तो फिर हम बैक जो है वो चल के इनको जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये सैंपल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आपने सारे करने हैं 2/2 भी, चूंकि ये यहाँ पे सॉल्व किए हुए आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, खुद ही समझ आ जाएंगे। ये 2/3 भी आप करेंगे, ये 2/4 भी सैंपल। ये जो प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाए तो हम एक पहला जो प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये सादा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें उसने जो है वो ये बताया हुआ है कि जी उसने कहा कि प्रॉब्लम 2/1-8 ट्रीट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स अलॉन्ग द एस एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अब इसमें ये चीज एक नोट कर लें कि देखें ये उसने उसका ओरिजिन पॉइंट ये लिया है, ये देख लें यहाँ पे, और सॉरी इस जगह पे जहाँ पे जीरो जो है ना वो मेंशन किया हुआ है, और एस इस तरफ पॉजिटिव लिया राइट की तरफ और इस तरफ क्या लिया है नेगेटिव। तो ये उसने 2/8 तक ये प्रॉब्लम दिया है, मैंने सिर्फ आपको जो है वो एक दो जो है वो बता देता हूँ, बाकी जो है वो आप लोगों ने अपने तौर पे जो है वो करने हैं। ये क्या बताया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू 25t² 80 और टी और -200। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी क्या है बताई हुई, ये टाइम का फंक्शन है, जहाँ पर बताया हुआ कि वी क्या है वो फिट पर सेकेंड में और टी सेकेंड में है। वो कहता है प्लॉट द वेलोसिटी वी एंड एक्सेलेरेशन ए वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड। अब ये जो प्लॉटिंग आ गई है, प्लॉटिंग आप उस पे कर सकते हैं, एमएस एक्सेल पे भी जो है वो कर सकते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा, सही है। तो अभी हमने सिर्फ ये जिसका सेकंड पार्ट है ना कि इवेलुएट द वेलोसिटी व्हेन ए इज जीरो, हमने सिर्फ अभी तक ये करना है, सही है ना। अभी हम क्या काम करेंगे कि इसकी वेलोसिटी निकालनी जब टाइम एक्सेलेशन जीरो है, सही है। तो ये जो प्लॉटिंग वाला काम है ये मैं फिर इंशाल्लाह जो है जब हम लाइव कैंपस में जो है वो जाएंगे तो उस टाइम जो है वो करूँगा, बाकी ये मैं आपको बता दूंगा सारा एक्सेल पे प्लॉट कैसे करना है। चलें जी, अब इसका मैं आपको जो है वो ये मैंने सॉल्व किया था, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें 2/1 ये आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना, ये क्या दिया हुआ, वी है 25t²-80t-200, यही दिया हुआ है कुछ और है, ये देख लें 25t-80t और 200, ये इस तरह जो है वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलेरेशन होता है dv/dt। तो आपने इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, सही है ना, क्योंकि आपने लोअर से हायर में जो है वो जा रहे हैं, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। कितना आ जाएगा ये जी 25, ये 50t आ जाएगा और ये आ जाएगा -80, ठीक हो गया ना। तो 200 जो कि कांस्टेंट है वो जीरो आ गया। अब उसने कहा कि एक्सेलेरेशन जो है वो जब जीरो हो, यानी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में उसने क्या मेंशन किया है कि डिटरमिन आपने करना है, इवेल्युएट वेलोसिटी करनी है जब एक्सेलेरेशन जीरो है। तो एक्सेलेरेशन का आपने रिलेशन लिख कर आपने क्या है उसको जीरो के बराबर पुट किया, वहां से आपने वो टाइम निकाला है जिसके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाए, एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो वो जो है वो किया है, ये देख लें जी, ये हमारे पास वो आ गया है एक्सेलेरेशन, वो कितना आ गया टाइम 1.6 सेकेंड के ऊपर एक्सेलेरेशन उसका जीरो होगा, सही है। तो अब आपने ये टाइम पुट करके जो है वो वेलोसिटी निकाल रही है कि जब जो है वो एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -2.64 जो है वो ये बनती है, पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट इसमें जो है वो मेंशन नहीं है, जो है ना। तो मैं इसके साथ ही इधर आपको ना आंसर वाली एक शीट भी जो है वो निकाल देता हूँ ताकि जो है वो आपको आंसर भी जो है वो नजर आए। ये चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में इसको और ये देखें जी, ये सॉरी ये देखें वेलोसिटी जो है वो 2/1 की ये 264 दी हुई है, सॉरी ये देख लें जी 264 ये वेलोसिटी आ गई, सही हो गया। माइनस, ठीक है ना, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई, -264 per second। अच्छा एक बात याद रहे कि जब आपके पास ब्रिटिश सिस्टम में यूनिट्स होती हैं तो उसको सेकंड को कैसे लिखा जाता है, SEC, और जब आपके पास SI सिस्टम हो तो जस्ट जो है वो सेकंड को S लिखते हैं, ठीक है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म S होती है। और ब्रिटिश में ये आपने अपने राइटिंग में भी जो है वो इस चीज को जो है ये देख लें, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है ना, अगर ये फुट होता तो फुट पर SEC होता, फुट पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपने इसको कन्वेंशन जो है वो अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का 2/1 में, ये सिंपल सा प्रॉब्लम था लेकिन हमारी जो है वो थोड़ी सी जो है वो इसमें बेस जो है वो बन रही है जी। नो क्वेश्चन, आगे चलें, 2/2 पे आए जी, ये 3/88 जो है वो क्या कहता है, अब इधर जो है वो आपके हैंड शो होंगे तो फिर ही जो है वो आंसर आप में टिक कर सकूंगा, इधर तो कोई नहीं जो है वो आप खड़ा कर रहा। चैलेंज, ठीक, इधर शो किया हुआ है लेकिन उधर शो ही नहीं हो रहा जी। ये है जी 361, हाँ जी बोल लें, हेलो सर, एक्चुअली हमने स्लोप ली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो हमारे एक्सेलरेशन आ गया, अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, किस चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बेसिकली न्यूमेरिकल करना, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ हाँ,
अगर हम स्लोप लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा। हाँ जी, अगर हमने डिस्टेंस निकाल मतलब डिस्टेंस तो एरिया के बराबर हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, हाँ तो जी वो क्या आएगा? नहीं वो देखे ना, जो जब आपने एरिया निकालना है तो सॉरी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप मुझे एक बात बताएं हम क्या काम करेंगे, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डीएस ओवर डीटी लिख सकते हैं। आवाज आ रही मेरी? अच्छा तो आप, हाँ जी, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डीएस ओवर डीटी, ठीक हो गया ना? तो हम क्या, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आपने अपर से लोअर में आना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे, क्या काम करेंगे आप? डीएस ओवर डीटी लिखेंगे तो इधर डीएस रह जाएगा, ये इधर जो है वो डीटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप फिर उसको क्या है वो इंटीग्रेट करेंगे एस टू एस नॉट, ठीक हो गया ना? तो फिर आपको देखो उसने एस नॉट असल में मेंशन नहीं किया ना यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम को वो एक्सेलेरेशन जो है वो पूछना चाह रहा था, तो फिर या तो एस नॉट की उसने वैल्यू दी होती, अदरवाइज आप उसको जीरो अज्यूम करके जो है वो आप टाइम की वैल्यू पुट करके जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना निकाल लें। हाँ जी समझ आई है बात की? हेलो, ये फिर मेरा फार म्यूट हो गया। हाँ जी हेलो, समझ आइए? एक मिनट, 367 था ना ये? चले जी, अब आ जाए जी अपना उस पे 2/2 पे आ जाए। 2/2 में उसने क्या कहा है? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 0.27 टी क्यूब और माइनस जो है वो 0.65 टी स्क्वायर माइनस 2.35 टी प्लस 4.4 where s is in feet and time is in seconds. Plot the displacement, velocity and acceleration as a function of time. तो ये तो सारे प्लॉट किए जा सकते हैं, इसमें कोई जरा बराबर इशू नहीं है, लेकिन ये हम एक्सेल पे साफ जरा प्लॉट करेंगे। प्लॉट करना मैं सिखा दूंगा, लेकिन जब मैं प्लॉट करना बता दूंगा तो फिर आपको ये एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना? लेकिन क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि हम इस तरह के प्रॉब्लम जो है और उस पर टाइम लगता है, ठीक है ना, डाटा प्लॉटेशन में, तो इस वजह से हम ये प्लॉटिंग वाला पोर्शन जो है वो आपको, वैसे मैं एक आध प्रॉब्लम की जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो दे दूंगा लाइव, लेकिन हम इसका जो सेकंड पार्ट है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव टाइम व्हेन द पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन, हम इसको जो है वो अभी बस थोड़ा सा कर लेते हैं। जो प्लॉटिंग वाला है वो हमारे स्कोप में इस वजह से नहीं है क्योंकि या तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्रॉपर लैब में जो है वो अवेलेबल हो जहाँ पर आप इसको जो है वो पेपर भी इस तरह का हो, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम काफी जो है वो लेंथी, वो टाइम डिपेंडेंट जो है वो बन जाता है, सही है? तो हम जो है वो ये वाला पार्ट करते हैं इसका, डिटरमाइन द पॉजिटिव टाइम व्हेन द पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन। ले जी, ये भी मैंने जो है वो आपकी आसानी के लिए जो है वो इसको सॉल्व किया था। ये देखें जी, आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट की जो है वो ये इक्वेशन जो है वो बनेगी, सॉरी ये देखें जी, 0.7 टी क्यूब माइनस 0.65 टी स्क्वायर जी, तो ये आ जाएगी 0.7 टी क्यूब माइनस 0.65 टी माइनस 2.35 प्लस 4.4। अब आपने इसका क्या निकालना है? वेलोसिटी निकाल ली, इसकी वेलोसिटी निकाल ली तो डिस्प्ले अपना आ गया डीएस ओवर डीटी, ये आ गया। फिर आपने निकालना है इसका एक्सेलरेशन, ओके हो गया। अब आपने प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, तो डिटरमाइन द पॉजिटिव टाइम व्हेन द पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन। एक दफा मुझे समझाने दे, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो पिक करता हूँ, सही हो गया? अब आपने पॉजिटिव टाइम जो है वो पुट करना है जब पार्टिकल उसके, अच्छा ये पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन आपकी कब चेंज करेगा? आप देखते हैं ना, पार्टिकल एक तरफ जा रहा है, जब पार्टिकल जो है वो एक ओरिएंटेशन में जा रहा है तो जब जैसे वो मोमेंटरली एट रेस्ट आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो तब वो डायरेक्शन यानी रिवर्स में आना शुरू कर देता है दूसरी साइड पे। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसको हम जीरो इनपुट करेंगे, ठीक है ना? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो पे।
उस वक्त उसने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें ये जो है वो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टाइम की जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, देखे ना ये नेगेटिव आ गई है, तो उसने कहा है कि पॉजिटिव, तो आपने टाइम की जो जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 2.69 जो है वो ये आ गई है। तो ये जो है वो चीज उसने बताई है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव टाइम व्हेन द पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका आंसर भी मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखें 2.69 उसने जो है वो ये लिया है, तो और हमारा भी जो है वो आंसर कितना आया है 2.69 जो है वो ये वैल्यू आती है। अब जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो मैं सुनता हूँ। हाँ जी 400, हेलो, हाँ जी हेलो, कोई क्वेश्चन है 400 का? नहीं है, चलें इसको इसको हाँ। फिर कौन है जी? मोहम्मद साद जी, हेलो। सही है जो आपने वेलोसिटी जीरो पुट किया, क्या रीजन है क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ तो हमने वेलोसिटी क्यों जीरो पुट कर दी है? वेलोसिटी जीरो इस वजह से पुट कर दी है मेरी बात ने, देखें वेलोसिटी इस वजह से जीरो जो है वो इसमें इनपुट की है, चूंकि उसने कहा है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव टाइम एंड द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्ट, देखें डिस्प्लेसमेंट था ना ये दी होती, जब वेलोसिटी आपने निकाल लिया तो पार्टिकल जो है वो एक तरफ मूवमेंट जो है वो कर रहा है, जब वो जब डायरेक्शन चेंज करता है तो आप कहीं भी आप फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं तो आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या आप एक दफा रुकेंगे फिर दूसरी तरफ आएंगे ना, तो क्या होता है जब आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप जो है वो फॉर ए मोमेंट क्या है स्टॉप करते हैं, जब स्टॉप करते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी जीरो हो जाती है, सही है? तो डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है कि आपने उसके वेलोसिटी जो है वो जीरो की है, आपने जो है वो जीरो वेलोसिटी के ऊपर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लिया कि